सो हे गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो भाई आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक और नई सीरीज जिसके अंदर हम लोग खेलने वाले हैं। इस गेम का नाम मुझे याद नहीं रहता, बार बार भूल जाते। लास्ट आइलैंड सर्वाइवल या लास्ट डे सर्वाइवल ऐसे, या लास्ट आइलैंड सर्वाइवल है शायद से। हाँ शायद भाई है। सो हम लोग ये गेम खेलने वाले हैं। ये थोड़ा माइनक्राफ्ट का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, मतलब तुम लोग समझ सकते हो। इसके अंदर तुम माइनक्राफ्ट जैसी चीज़ें करनी है, बट उससे थोड़ी सी ज़्यादा आगे बढ़ते, मतलब एक लेवल और ऊपर जाके। सो अभी के लिए सबसे पहले मेरे को इस गेम के अंदर स्पॉन कर दिया गया इसी जगह पर जहाँ पर रात हो रही है अभी के लिए। तो सबसे पहले तो मेरे को ये सब ड्रम्स वगैरह तोड़ने पड़ेंगे ताकि मेरे को थोड़ा बहुत सामान इनसे मिले। और ये एक्स मेरे को पहले से मिली हुई थी भाई, ठीक है। तो ये मत कहना ये कैसे बनाया, तो ये मेरे को पहले से मिली हुई थी। अभी मेरे को लकड़ी वगैरह इकट्ठा करनी है और ये सब इकट्ठा करना है और सुबह होने का भी इंतजार करना है भाई। घर वगैरह भी बनाना है अभी आगे जाके। ओके, तो अभी सुबह हो चुकी है खुदाई करते करते और मेरा काफ़ी ज़्यादा काम भी हो चुका है, मतलब थोड़ा बहुत सामान मैंने इकट्ठा करा है। अभी मैं लकड़ी वगैरह भी थोड़ी बहुत इकट्ठी करता हूँ और सीधा चलते हम लोग अपना खाना वगैरह इकट्ठा करने के लिए और घर बनाने के लिए। खाना वगैरह तो दोनों तो को मैप में ही दिख रहा होगा, बेरीज और मशरूम टाइप की चीज़ें वही सब है। सो इकट्ठा करते हो निकलते भाई आगे के लिए। सो अभी सारा सामान इकट्ठा हो चुका है, बस मेरे को घर बनाना शुरू करना है। तो घर बनाने के लिए मेरे को ये जगह सही लग रही है, काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है, मतलब यहीं पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं बेस बनाता हूँ थोड़ा सा ऊपर करके, ताकि जो है थोड़ा सा लेवल से ऊपर है। तो मेरे ख्याल से यहीं पे बना लेना चाहिए, ये जगह सही है। यहाँ पे 3x3 का बनाते भाई अपना बेस। तो एक दो ये तीन, तीसरा भी लगा देंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले एक यहाँ पर लगा देते हैं। ओके, तो अभी मैं थोड़ा सा नूब हूँ भाई, मेरे को मतलब जज मत करना भाई, काफ़ी ज़्यादा नूब हूँ मैं अभी, ठीक है, क्योंकि अभी अभी खेलना शुरू करा है भाई। सो सीख जाएंगे भाई, जल्दी सीख जाएंगे भाई, ठीक है। सो इसको लगाते हैं यहाँ पे, और अभी मेरे को एक यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और एक और लगाना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, और एक यहाँ पे। और अभी मैं ऊपर चलता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे लगा देते हैं जो बच गया है। और अभी मेरे को उधर साइड भी लगाना है, तो जल्दी से चलते हैं। और ये लगा दिया हमने इधर साइड को भी, हाँ ये रहा, ठीक है, लगा दिया हम लोगों ने। अब मेरे को जाना पड़ेगा इसके ऊपर और वॉल्स वगैरह बनानी पड़ेगी, तो वॉल्स वगैरह भी बनाते जल्दी से जल्दी। ओके, सो अभी मेरा मेन घर तो बन चुका है, बस मेरे को यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें और लगानी, जैसे स्टेयर्स वगैरह, तो वो सब भी लगा के जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। और अभी मेरे को एक ये चीज़ क्राफ्ट करने के लिए डालनी है, तो जल्दी से क्राफ्ट करने के लिए डाल देते हैं। चारों बहुत ज़्यादा ही वुड चाहिए, तो बना लेते हैं। मैंने सुना था इसको बनाना ज़रूरी होता है, इसी की वजह से हमारा घर जो है ना मेंटेन होता रहता है बार बार, मतलब टूटता नहीं जल्दी। वरना यहाँ पे अगर तुम लोग ऑफलाइन चले जाते हो तो तुम्हारा घर थोड़े दिन बाद, थोड़े समय बाद कोलैप्स कर जाता है, मतलब कि ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। सो भाई अभी मैं घर के अंदर वापस से आ चुका हूँ, यहाँ पे अपना स्लीपिंग बैग लगा देते ताकि यहाँ पे हम लोग बार बार रिस्पॉन्ड हो सके, अगर कोई हम लोग को मार दे या फिर हम लोग मर जाए। सो यहाँ पे लगा देते, ये जगह सही रहेगी, ऐसे ही लगा देते, ठीक है। सो अभी हमारे एक चैलेंज कंप्लीट भाई, बेकार में ही बना लिया हम लोगों ने टीसी, यहाँ पहले से मिला पड़ा है, देखो क्या करे भाई, नूमने सी हद खत्म भाई, बेकार ही मेरी 1000 वुड्स ख़राब हुई भाई, 1000 वुड भाई बड़ी बात होती है भाई, छोटी बात नहीं। तो हाँ अभी इसको एक काम करते हैं, इसको यूज़ करते हैं जल्दी से। और इसके अंदर अभी हम लोग को यहाँ पे देख सकते हो मेरा प्लेस कैबिनेट आ चुका है, हो गया है, एंड मेंटेनेंस मटेरियल साइड में देख सकते हो ना, लेफ्ट साइड को तुम लोग, वहाँ पे देखो मेरे टास्क लिखे हुए। तो मेरे को यहाँ पे लगाने मेंटेनेंस के लिए मटेरियल, हमारे पास लकड़ी है ही नहीं भाई, लकड़ी लाने जाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेके आते जल्दी से लकड़ी, तो अभी थोड़ी लकड़ी ले आए हम लोग, अभी इसके अंदर डाल देते। तो इसके बाद टैप करना है, और कैसे डालते हैं इसके अंदर, एक सेकेंड, अच्छा इसको क्लिक करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पूरा डाल देते। सो अभी मेरा मेंटेनेंस हो चुकी है, मेरे को 2 लॉक पैड और 30 वुड और मिली है एक्स्ट्रा, ठीक है। सो लॉक पैड में लगा देता हूँ, सबसे पहले एक तो यहीं पे लगा देते हैं इंस्टॉल कोड, ठीक है भाई, एक कोड डाल दे, एक कोड भाई मैंने यहाँ लगा दिया। अब एक और कोड जो है दरवाजे में भी डाल देते भाई, दिखाऊंगा नहीं भाई, यहाँ पे भी डाल दिया हम लोगों ने। और मेरा एक और टास्क कंप्लीट हो गया, मेरे को एक वर्क बेंच मिल चुकी है, ये भी लगा देते ऊपर चल के। सो यहाँ पे लगाने के लिए सोच रहा हूँ मैं, जल्दी से यहाँ लगा देते हम लोग एक वर्क बेंच, और फिर देखते इसका काम क्या है। ये लगा देते, ठीक है, मेरा एक और टास्क हो गया। अभी मेरे को क्या मिला है, क्लोथ्स, स्टील, आयरन और कुछ चीज़ें और मिली है। तो ठीक है भाई, एक मेरे को गन क्राफ्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ सबसे पहले एक चीज़। यहाँ से नहीं बनती है, रुको थोड़ा सा मेरे को ढूंढना, इसके अंदर कैसे काम होता है मेरे को पता नहीं है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैं गन यहाँ से क्राफ्ट करने वाला हूँ भाई, ठीक है, 15 सेकंड में क्राफ्ट हो जाएगी। ओके, सो गन क्राफ्ट हो चुकी है, और उस चीज़ का क्या करना होता है तुम लोग को पता है तो मेरे को बताना ज़रूर से एक बार। सो मैंने एक गन तो क्राफ्ट कर ली, इसको रख लेते भाई, 5 गोलियाँ मेरे पास इसकी। सो अभी आगे का काम करते हैं, तो एक सेकेंड,
हाँ मेरे को इसके लिए कुछ और भी चीज़ बनानी थी ना, एक और चीज़ फर्नेस टाइप की। ये नहीं भाई, ये नहीं, फर्नेस बनाना था मेरे को एक कैंप फायर। फर्नेस क्या होता है इसमें भाई, पता नहीं, अब ये भी ढूंढना पड़ेगा। ओके सो मेरे को कपड़े बनाने तो मैंने बना लिए, तो उसके बाद मेरे को ये चीज़ें मिल चुकी है, क्लब मिला है और एक ये टेबल मिली है, कौन थी पता नहीं, इसका क्या काम है मेरे को, इसका भी काम नहीं पता है, इसको भी जल्दी से यहाँ पर लगा देते हैं। तो भाई अब TC, अब आयरन भी मांग रहा है, आयरन मेरे पास है नहीं भाई। सो भाई आज के लिए तो यहीं पे ख़त्म करते भाई, काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो चुकी है मेरी आज के लिए। सो हाँ आज तो मैं इतना ही था, तुम लोग को गुड आशीर्वाद, लाइक करना, और भाई कुछ भी तुम लोग को इस गेम के बारे में पता होना, क्या क्या चीज़ें करनी होती, कैसे कैसे आयरन लाना होता है, तो मेरे को भाई ज़रूर से बताना कमेंट्स में, ठीक है। सो हाँ तो अभी हमारा काम तो हो चुका है ख़त्म, तो आज में इतना ही था, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।